इज़ वेलकम टू एग्ज़ाम प्लस चैनल। आज हम लोग ऑक्सीमीटर के बारे में जानेंगे, उसमें क्या क्या देखते हैं और क्यों ज़रूरी होता है। ऑक्सीमीटर में SpO2 होता है, जिसका फुल फॉर्म सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन होता है, जिसका SpO2 यानी कि सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन 94% से ऊपर होगा तो वह व्यक्ति नॉर्मल है। और इसमें यह भी बताता है कि पल्स रेट कितना है, एक मिनट में हमारा दिल कितनी बार धड़कता है। इससे हम PI के बारे में भी जान सकते हैं। PI मीन्स होता है परफ्यूज़न इंडेक्स। इससे ये पता चलता है कि हमारे शरीर में अंतिम अंग तक ऑक्सीजन का लेवल पहुंच रहा है या नहीं। PI का नॉर्मल वैल्यू 2 से 20% तक होता है। अगर इससे कम किसी भी व्यक्ति में होगा तो उसको डॉक्टर से सलाह लेना होगा। देखो, ऑक्सीमीटर क्यों ज़रूरी है? ऑक्सीमीटर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि RT-PCR सभी के लिए आसान नहीं है। कोरोना में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो ऑक्सीमीटर से आप घर पर रहकर ही अपने शरीर के बारे में जान सकते हैं कि आपका ऑक्सीजन लेवल, पल्स रेट और PI परफ्यूज़न इंडेक्स कितना है। किसी भी व्यक्ति में अगर 94% से कम होगा तो उसको डॉक्टर के संपर्क में रहना होगा। और उस व्यक्ति का 60 से लेकर के 90 पल्स रेट होना चाहिए एक मिनट में। परफ्यूज़न इंडेक्स, हालांकि इसका अहम रोल नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा ख़ास रोल नहीं है कोरोना में, लेकिन फिर भी 2 से लेकर के 20% तक होना चाहिए। अगर 2 से कम होता है तो उसे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग करें, इन सब का ख्याल रखें। उम्मीद है जल्द ही हम लोग कोरोना से निजात पा जाएंगे। धन्यवाद।